व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, कोक स्टूडियो पाकिस्तान की तरफ से एक खतरनाक अपडेट आया है। बिल्कुल जी, मैंने खतरनाक वर्ड इसलिए पहले यूज किया क्योंकि मेरे को पता है खतरनाक ही हो सकता है। Obvious. ठीक है, एक्चुअली कल आया गाना, बट हम लोग क्या है, थोड़ा सा फैमिली फंक्शन में गए थे ना, शादी वादी वाला हिसाब चल रहा है, शादी वाला हिसाब चल रहा है, तो हम लोग उधर गए थे। मतलब हमारी नहीं, वो अपना रिलेटिव के वगैरह थे ना, इसमें रिलेटिव की शादी थी, उधर हम लोग गए थे। वैसे हम लोग बाहर निकलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग अपने में ही रहते, अपने ही उसमें रहते, अपनी खुदाई में रहते। हाँ। क्या बोला, मम्मी वगैरह बोले, बोली अरे बेटा वो रिश्तेदार है, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो आपको पता, चलो चलो यार, चलो चलो, पर ठीक है, फिर वो मिलते लोग। हाँ। समझ गए ना, फिर तो ऐसा हुआ, इसलिए फिर कल नहीं कर पाए, बट क्या है, लेट आए पर लेटेस्ट आए, ऐसा हो गया। तो गाने का नाम है गाइस ओ यार आप, कोक स्टूडियो पाकिस्तान, अब्दुल हन्नान एंड काविश भाई जी का है ये गाना। तो मैं, मेरे को 100% पता है कि ये गाना अच्छा ही होगा। बिल्कुल, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तो सीधा वीडियो पे आते। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना गाइस। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो गाइस, और ऐसे ही सजेशन देते रहो गाइस। दोस्तों, वीडियो देखते रहो दोस्तों। हाँ, और नमस्कार दोस्तों। हाँ, फिलहाल इंडिया में बहुत चल रहा है, अभी बकवास विद जुड़वास में वही वीडियो करने वाले हम लोग। चलो नमस्ते, नमस्कार। बिल्कुल, तो गाइस ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और जितने भी कोक स्टूडियो देखने वाली पब्लिक है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ठीक है, ठीक है, चलो लगा दे सुशांत, देखते हैं। चलो रेडी गाइस, बिल्कुल जी। कोक स्टूडियो सीजन 15, कोक स्टूडियो पाकिस्तान नहीं बोलते, आवाज कर भाई, ये वापस मस्त कड़क सेट बनाया है इन लोग ने, मजबूत। वाह, क्या बताऊं, हाय 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 हाय, इन सवालों में कब से यूं फंसाऊं, राख सारे सफे पर लिख रहा हूं। अरे बाप रे, क्या बोला है, राख सारे सफे, इसका मतलब क्या है गाइस? गाइस ऑफ कोर्स मेरे को राख समझा बस। इसमें से उर्दू लैंग्वेज थोड़ी सी हमको डिफिकल्ट हो सकती है, तो प्लीज हमको कुछ वर्ड जो है वो समझा देना, और आपका फेवरेट लाइन जरूर बताना कि भाई जो आपको हिट कर गई यार। बट स्टार्ट वोकल प्रोसेस कौन करता है यार, बहुत अच्छे वोकल प्रोसेस कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत क्लीन, प्यारा स्टार्ट, बहुत अच्छे वोकल प्रोसेस है ये। वाह वाह, सॉरी ये थोड़ा सा पीछे से लगाते, बहुत लोग बोलते हैं कि यार ऐसा मत करते, पर हमको हमारा काम है रिव्यू करना, तो हमको तो करना पड़ेगा ना। काविश एंड अब्दुल, नाइस सेट। क्या बताऊं, इन सवालों में कब से यूं फंसाऊं, इन सवालों में वाह से मैं फंसाऊं, राख सारे सफे पर लिख रहा हूं, राख सारे सफे पर, हां पर लिख रहा हूं, फसाने में जिंदगी के मन को कैसे और कैसे बहलाऊं। सही में सांस लेना सजा, सांस लेना सजा, वाओ सेट मैन, सेट। बाजार में बिकती एक चेहरा, हकीकतें ढेर सारी क्यों लगे हैं, खुद की खोज में सब हाल दिल में अब कैसे समझाऊं, वाओ वाओ, है ये उलझे दागों सा मेरी सोचों का जहां, टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं, पर
नाइस अरेंजमेंट यार पीछे वो आई लिरिक्स सांस लेना सजा सांस लेना सजा वो नाइस कितना रॉ है वो कितना वो कितना रॉ ऐसा मत को मेरे को लगता है वहां सेट पे रिकॉर्ड किया बिल्कुल बहुत सही ड्रम किट यूज किया है भाई वाओ ओह जो वो रिवर्ब में भी क्या खेले ला है वाओ वाओ ओह हो 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 क्या बात है वाह क्या बात है वाह अंदर तेरे राज कहीं है अंदर तेरे राज कहीं है वाह 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 मेरी जान वाह अंदर तेरे राज कहीं है खुद से जो मिल पाएगा ओ यारा दिल से जो सुन पाएगा छोड़ आस की डोर क्या बात है ना छोड़ आस की डोर को बात सच तू समझ जाएगा ओ यारा फिर तू संभल जाए मैंने पॉज नहीं किया बिना पॉज किए ये गाना चलते रहा मतलब कितना पकड़ के रखा मैं नेता जैसे बात क्यों कर रहा हूं वैसे नेता जैसे आधा काम मत करिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना हाँ। हाँ। तो मैं वापस सुनना पड़ेगा मेरे को यार क्योंकि इनका देखो गाइस मैं आपको चीज बताता हूं एक ये क्या हो गया एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको इनका गेम कहाँ पे कोक स्टूडियो का मेनली कोक स्टूडियो का चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो कंपोजिशन डायरेक्शन अरेंजमेंट और सबसे मेन बात फिर अगर ऑडियो की बात करूं तो मिक्सिंग हाँ और ये लिरिक्स तो देखो लिरिक्स देखो लिरिक्स और कंपोजिशन बहुत ज्यादा तगड़ी होती है मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्योंकि जैसे कि आप अगर बात करो एक मिनट रुको मैं इसको देख लेता हूं क्या है आगे खत्म भी हो गया ठीक है पूरा अरे नहीं नहीं कुछ तो है भाई एक मिनट ये तो टीजर में आया था ऐसा शॉट एक चीज मैं बताता हूं गाइस एक तो लिरिक्स ये गाने की बहुत ज्यादा अच्छी है हाँ। इसका इसको कंपोज बहुत प्यारा किया गया है ऊपर से दो वोकल्स इतने परफेक्ट वोकल लिए परफेक्ट बोलते ना परफेक्ट वोकल्स मैं आपको एक चीज बताता हूं गाइस वो ये है कि कंपोजिशन हाँ बन रहा है हाँ लिरिक्स बन रही है बिल्कुल हो गया ये तो बन गया उसके बाद मेन दो ऑडियो में चीजें जो है वो अरेंजमेंट उसको बखूबी निभाना चाहिए बिल्कुल ठीक है दूसरी बात है मिक्सिंग कि हर एक एलिमेंट कैसे बजना चाहिए ये काम सिर्फ और सिर्फ कोक स्टूडियो बांग्ला और पाकिस्तान वाह अभी भारत भी अच्छा कर रहे हैं भारत भी वाह क्योंकि मैं
आपको कैसे बताओ कि मतलब गूज़बम्प्स देने वाला काम। मैं डूब गया था यार, मेरे को पता भी नहीं चला कि कैसे गाना खत्म हो गया। और मेरे को ऐसा हो रहा है कि यार कितने जल्दी खत्म हो गया, मैं वापस सुनूंगा। हमारे साथ अगर सुनना है तो प्लीज जरूर सुनो, बने रहो, प्लीज बने रहो, मजा आएगा गाइस, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपको। मैं यार मैं डूब गया था, मतलब जैसे वो लगा रहा था दिल के किसी कोने में भी याद तेरी मैंने सजा रखी है छुपा। क्या बात है यार वो गाना यार, मेरे को फोन आ रहा है गाइस, पर किसका आ रहा है पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अपन बाद में। चलो वापस सुनते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, मेरे को और एक बार फील करना ये गाना। वाह वाह वाह, दोनों ने भी अब्दुल हन्नान एंड कविश बहुत अच्छा गाया भाई आपने, वो पकड़ के रखा। वाह, बहुत प्यारा कंपोजिशन, बहुत प्यारा लिरिक्स। वाह वाह, कुक स्टूडियो सीजन 15। वाह यार, ये साला जब हम लोग कोक स्टूडियो पाकिस्तान करते ना, 20 मिनट का वीडियो तो हो ही जाता है। हाँ यार, 20-30 मिनट का। आबिदा परवीन जी का फोटो लगा है वहां पे, आबिदा परवीन जी का। अच्छा, हाँ वो उधर फोटो नहीं देखा, ऐसा करके फोटो है आबिदा परवीन जी का। क्या बताऊं, आबिदा परवीन जी मतलब आपने उनका गाना सुना है कोक स्टूडियो में, छाप तिलक आपने सुना होगा, तू झूम भी है, ठीक है, और चाप तिलक, बहुत सारे गाने ऐसे, बट मैं कोक स्टूडियो की बात कर रहा था तो इसलिए। चलो यार फोन बज रहा है, चलो कोई प्रॉब्लम, जान देना, ये इतने अच्छे फील के सामने फोन। मम्मी का होगा तो फिर तो बहुत बड़ी बात, वो बहुत कुछ है फिर तो। क्या बात हुआ, क्या बताऊं, इन सवालों में कब से यूं फंसाऊं। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, वाह। राख सारे सफे पर लिख रहा हूं, फसाने में जिंदगी के मन को कैसे फसाना तो, और कैसे बहलाऊं। टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं, पर छाया कदम ये दुआ, सांस लेना सजा। ओ, वो ड्रम जो, हाँ मस्त ड्रम, मस्त है यार। ऐसा नहीं क्या वो अपन सेट मतलब रिकॉर्ड करते, वैसा लग रहा है वो। बाजार में बिकती एक चेहरा, बैंजो रख रहा है वो, दूर दूर के माइक लगा के। सारे क्यों लगे हैं आबिदा परवीन जी, खुद की खोज में सब ही हाल दिल में, अब कैसे समझाऊं ये मेरी सोचों का। टुकड़े कांच के बिखरे जमीन पर चलना चाहूं, पर छाया है हर कदम ये दुआ, सांस लेना सजा। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कोक स्टूडियो पाकिस्तान को, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे लिरिसिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सिंगर हो, अगर आपको इस चीज का घमंड है ना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप सही हो, सही हो। हाँ बिल्कुल, ये रखो। एक तो इतना लेट आए पर आए तो बढ़िया दिए काम, ये घमंड रहना चाहिए आपको बिल्कुल कि हम अच्छा काम दे रहे हैं। वाह यार, ठीक है, बहुत अच्छा काम दे रहे हैं, जरूर रखना, आदमियों के लिए नहीं, काम के लिए, काम कर पद्धति। सीरियसली मैंने ये बहुत डीप बात कही है अभी आपके लिए। बहुत बढ़िया काम यार, बहुत बढ़िया काम।
अरे अरे उसके स्टिक से ना बोले वो स्टिक से अच्छा फील आता है ड्रम का. अंदर तेरे लिरिक्स मैन अंदर तेरे राज खुद से जो मिल पाएगा ओ याद से जो सुन पाएगा छोड़ आस की डोर को सच तू समझ जाएगा ओ यारा फिर तू संभल जाएगा. गाइज एक चीज कैसा है ये गाना उलझा हुआ है ठीक है तू समझ जाएगा ये वैसा वैसे ये सिंगर्स की शक्ल भी वैसे ही उलझी हुई है मतलब उनकी एक्टिंग मतलब वो जो प्रॉपर बना के रखे है ना इन्होंने वो बहुत अच्छा लगा मुझे दोनों सिंगर ने भी. और ये बात बहुत टाइम क्या होता है गाइज हम लोग ऐसे हम दोनों भाई ऐसे कि अपने आंसू अपन ज्यादा ज्यादा छुपाने की कोशिश करते. बिल्कुल हम दोनों भाई ऐसे है मतलब चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो घर पे सबके इसमें कुछ ना कुछ ये होता है ना तो सबके लाइफ में होता है. तो हम दोनों ऐसे कि हम आंसू बहुत ज्यादा बहुत छुपा के रखते हैं. अगर रोना भी रहा तो अकेले में रोना या मैं सिर्फ मेरे भाई के सामने रो सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो बोलते हैं ना अगर किसी के सामने वो अगर आंसू निकल गए ना तो उसको फिर कोई एक्टिंग भी बोलते कोई फिर गलत गलत बोलना चालू कर देते. तो बिल्कुल मैं इसलिए बोलता आंसू ना अपने जो अपने प्रिय है ना बिल्कुल मतलब प्रिय मतलब जो अपने लव वंस है उनके माँ के सामने पापा के सामने भाई के सामने उनके सामने निकालो. और ये बात भी सच है कि अगर आंसू आए ना तो खुद पोछना बट अगर कोई और पोछेगा ना तो वो सौदा करेंगे आंखों से. तो इसलिए खुद ही पोछा करो इसका ट्राई करो. बिल्कुल गाने की बात मतलब क्या ये गाने ने ऐसा कर दिया मैं मतलब ये क्या सोच फील था मतलब मैं खुद सोच में पड़ गया. सिंगर्स अब्दुल हनान एंड कविश भाई आप लोगों ने ऐसा उसमें ऐसा खेल दिया ना मतलब खत्म कर दिया भाई. वाह मतलब क्या बताऊं आपको. कंपोज बाय अब्दुल हनान एंड जाफर जैदी ने कंपोज किया है. बहुत ही प्यारा कंपोज किया है. म्यूजिक अरेंज बाय जुल्फी भाई जाफर जैदी एंड अब्दुल्ला सद्दकई परमानेंट है. जाफर जैदी भाई भी जुल्फी और अब्दुल्ला सद्दकी तो परमानेंट रहते हैं. एडिशनल अरेंज किया है जयाद तारिक भाई ने. मिक्स तू फ्रॉम द एपोकोलोटिस क्यों बोल रहा है आना उर्दू बात कर रहा है. बिल्कुल आना चाहिए ना उर्दू तो वैसा ही आएगा. तो वीडियो डायरेक्शन बाय मुर्तजा नियाज भाई. भाई बहुत अच्छा यार ये मतलब ये देखो परफेक्ट डायरेक्शन का यही है कि अगर ऑडियो दुखी होना तो वीडियो को भी दुखी कर दो. विजुअल्स जो दिखाते हो ना मैं हर बार बोलता हूँ. अच्छा एक मिनट मैं आपको एक जो अपने पब्लिक है उनको मैं बता दूं जाफर जैदी जो है वो कविश भाई है ठीक है ना. बिल्कुल तो मैं वही वही कंफ्यूज हो रहा था कि जाफर जैदी भाई अच्छा अलग ये लिया क्या. नहीं बट वो जो वोकलिस्ट है उनका ही कंपोजिशन है. फिर ये माज मौदूद भाई का भी नाम केविश ही है जो अकॉस्टिक एंड गिटार एंड अरेंजमेंट में थे हाँ ना. और गुम्बी भाई ड्रम्स में थे. गुम्बी भाई ने तो समा बांध दिया बहुत बढ़िया. ऐसा कोई हेवी बीट नहीं थी गाइस बट वो छूने वाली थी बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब कंपोजिशन ये दोनों भाई दो अब्दुल भाई और जफर भाई ने की है. बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कंपोज किया है. कॉस्ट्यूम और आर्ट डायरेक्शन कलर्स बहुत बढ़िया.
अब्दुल भाई एंड जफर भाई, ये कैसे, मतलब क्या थॉट था जब ये गाना आपने लिखा? हाँ क्या थॉट था, मतलब मुझे अभी भी कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा कि कैसे किया होगा। और अवैस काजमी भाई इलेक्ट्रिक गिटार एंड लूप स्टील में जो लैप स्टील में जो बैठे थे, वो इलेक्ट्रिक गिटार भाई ने जो ऐसा रख के ऐसा बजाना गिटार, बहुत बढ़िया खेल दिया पूरा। हाँ वलीद भाई बेस पे थे ना, बहुत बढ़िया, मतलब क्या बोलो यार, नाइस, वेरी नाइस अली कीज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा मिक्स, बहुत अच्छा मास्टर, बहुत अच्छा वोकल प्रोसेस जो क्लियरली आ रहे थे, बहुत प्यारा वीडियो, बहुत प्यारा आर्ट डायरेक्शन, बहुत प्यारा डायरेक्शन, बिल्कुल वाओ, मजा आ गया। डायरेक्शन हमारे मुर्तजा नियाज भाई है, हाँ। जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सिनेमेटोग्राफर हमारे अमीर मुगल भाई है, हाँ। मुगलों से काम कर रहे वो, बिल्कुल ठीक है। और आर्ट डायरेक्शन हमारे उमेर बट साहब जी का, बहुत है बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्यारा है, बट ये जिस स्क्रीन पे इतना प्यारा था, बिल्कुल जी, बहुत ही प्यारा, बहुत बढ़िया। एडिट किया है, वैसा ही यार गाइज, बहुत क्या करे यार, कोक स्टूडियो का काम ही ऐसा है कि अपने को बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, बट आप अब तक बने हुए हो और अब तक देख रहे हो, मतलब आप बहुत बहुत अच्छे लिसनर्स हो, बिल्कुल आप का धन्यवाद, आप इतना अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, बहुत प्यारा काम, कोक स्टूडियो ऐसे काम करते रहो, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहो। अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत।